नमस्कार, मैं दीदी गुप्ता और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों में भी तनाव का माहौल है। दरअसल पश्चिमी देशों का मानना है कि यह तनाव अगर युद्ध की दहलीज तक आ पहुंचा तो यूरोप को भी समाप्त कर सकता है, मतलब यूरोप को भी अपनी चपेट में ले लेगा, जिसके बाद हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा गंभीर बन सकते हैं। हालांकि इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हस्तक्षेप किया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी फोन पर 50 मिनट तक बातचीत की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि अगर रूस उनके देश के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका अपने साथी देशों के साथ उनका बचाव करेगा और उनके साथ इस लड़ाई में भी उतरेगा। तो वहीं अमेरिका की एजेंसियों ने ऐलान किया है कि रूस ने अपने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं और रूस ने कई तरह की स्पेशल फोर्सेस, मिसाइल और नेवी फोर्सेस को भी सीमाओं पर लगा दिया है। साथ ही साथ रूस ने काला सागर में भी 6 जंगी जहाजों को उतार दिया। यह जंगी जहाज उभयचर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पानी के अलावा युद्ध करने में भी सक्षम है। साथ ही साथ रूस ने समुद्री तटों पर भी अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया है। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रूस यूक्रेन पर हमला कब बोलेगा। तो वहीं अमेरिका रूस की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार रूस यूक्रेन पर हमला कब बोलेगा। तो वहीं रूस अपने एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने दे रहा इस युद्ध के बारे में कि युद्ध कब किया जाएगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस यूक्रेन के ऊपर 16 फरवरी को हमला कर सकता है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जो दर्शाती हैं कि रूस यूक्रेन के ऊपर 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक के खत्म होने से पहले हमला बोल सकता है। हालांकि अभी भी इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कब बोलने वाला है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी रूस और यूक्रेन के बारे में कुछ और अपडेट। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और आप पब्लिक न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप किसी भी जानकारी से पीछे न रह जाएं।